हाय एवरीवन, मैं अभिनव प्रसाद, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल नॉलेज शेयरिंग में। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एक्सेल, उसी सीरीज का ये कंटिन्यूएशन है जहां पर हम आज फिर डिस्कस करेंगे नए 5 ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी इंप्रूव करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला टिप है कि हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ ग्रिड लाइंस, हम ग्रिड लाइंस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास ये जो वाटरफॉल चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है, ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि वाटरफॉल चार्ट कैसे बनाया जाता है तो आप मेरे एक्सेल के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब आप देखो, यहाँ पर आपका डेटा दिया हुआ है और यहाँ पर मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है विच इज नोन एज वाटरफॉल चार्ट। अब ये जो आप वर्कशीट देखोगे, इस वर्कशीट में आप देख रहे होंगे आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दिख रहे होंगे, ठीक है। ये ग्रे कलर का आपको फ्रंट लाइन जो दिख रहा है, इसे हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस का पर्पस ये होता है कि इसकी मदद से आप डेटा को डिफरेंशिएट कर पाते हो और आसानी से रीड कर पाते हैं, फाइन। लेकिन अगर आप कोई डैशबोर्ड प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आपके पास एक जगह डेटा दिया हुआ है, उस डेटा को आपने बॉर्डर्स में उसको आप डेटा को रखे हैं, और यहाँ पर आप चार्ट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो या फिर डैशबोर्ड प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि आपको जो स्प्रेडशीट है और आई वुड से वर्कशीट है उसको आप चाहोगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे, तो आप क्या कर सकते हो कि इस ग्रिड लाइंस को आप रिमूव कर सकते हो। कैसे करोगे? आप यहाँ पर क्या करिए कि व्यू टैब पर क्लिक करिए और आपको यहाँ पर अंडर द शो ग्रुप आपको मिल जाएगा ग्रिड लाइंस, ये चेकबॉक्स को आप अनटिक कर दीजिए तो आपका देखिए ग्रिड लाइंस रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या कर सकते हैं, इस वर्कशीट को थोड़ा नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, फाइन। हमारा टिप नंबर 2 है कि हाउ वी कैन जंप फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर वर्कशीट, हम कैसे एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में मूव करेंगे, ठीक है। तो देखो, एक तो तरीका यह है कि अपने माउस के कर्सर को आप यहाँ पर लेकर आइए और आपको जिस सीट में जाना है उस सीट पर आप क्लिक कर दीजिए। तो मुझे मान लो सीट 25 ओपन करना था तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद अगर मुझे सीट 26 में जाना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। तो होता यह है कि अगर बार बार आप माउस का यूज़ करेंगे तो आपकी थोड़ी रफ्तार कम हो जाती है, तो अगर आप शॉर्टकट कीज जानोगे तो आप बहुत फास्टली चीज़ों को कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ एक शॉर्टकट की जिसकी मदद से आप आसानी से एक शीट से दूसरे शीट में जंप कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे जाना है शीट नंबर 25 पे, तो मैं क्या करूँगा कि मेरा एक्टिव शीट है वाटरफॉल चार्ट, मैं कंट्रोल की को प्रेस करके होल्ड करके रखूँगा और उसके बाद मैं पेज डाउन वाला जो की है उसको प्रेस करूँगा। तो देखिए, आप मूव करके सीट 25 पे, फिर से हम कंट्रोल की को प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे और पेज डाउन वाले की को प्रेस करेंगे तो आप सीट नंबर 26 में मूव कर जाएंगे। अब अगर आपको बैक करना है, दैट इज़ आप फिर चाहते हो कि सीट नंबर 25 में आए, फिर उसके बाद वाटरफॉल चार्ट, फिर आपका टिप्स एंड ट्रिक्स 02 में, तो आप क्या करके रखिए, कंट्रोल की को प्रेस करके होल्ड करके आपको रखना और पेज अप वाले की को प्रेस करना। तो इसके साथ आप इस डायरेक्शन में, दैट इज लेफ्ट साइड में मूव करना शुरू कर देंगे। फिर से मैं प्रेस करता हूँ, कंट्रोल की को मैं प्रेस करके होल्ड करके रखा हूँ और पेज अप वाले की को मैं प्रेस करता हूँ, ठीक है। फिर से मैं मूव करना चाहता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स 02 में, तो कंट्रोल की को मैं प्रेस करके होल्ड करके रखा हूँ, पेज अप वाले की को मैं प्रेस कर रहा हूँ, फाइन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में जंप कर सकते हैं बहुत इजीली। हमारा टिप नंबर 3 है कि हाउ वी कैन क्रिएट अ कॉपी ऑफ वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक, हम कैसे जो एक वर्कशीट है हमारा उसका हम डुप्लीकेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक ही वर्कबुक में। देखिए, हमारा एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स ये हमारा वर्कबुक है और मेरा एक्टिव शीट है टिप्स एंड ट्रिक्स 01। हम कैसे ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स 01 है इसका हम डुप्लीकेट कैसे क्रिएट करेंगे। देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पास कोई डेटा आया, ठीक है, तो ये वाला शीट मान लो मेरा मेन शीट है, हम चाहते हैं कि इसमें कुछ हम चेंजेस ना करें, तो आप क्या करोगे कि इसका डुप्लीकेट करते हो और उसमें चेंजेस करते हो, फाइन। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पर एक न्यू शीट क्रिएट करोगे, ठीक है, उसके बाद आप इसको पूरा को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप क्या करते हो कि यहाँ पर जाकर आप पेस्ट कर देते हो, ये करेंगे आप, ठीक है। ये एक तरीका हो गया डुप्लीकेट करने का। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। अब देखो, एक तो तरीका ये हुआ, और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर आप देखोगे मूव और कॉपी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और मैं चाहता हूँ कि इसके बगल वाले में डुप्लीकेट क्रिएट करूँ और आई वुड से इसका कॉपी क्रिएट करूँ। तो यहाँ पर क्रिएट अ कॉपी वाला जो चेकबॉक्स, इसको आप टिक मार कर दीजिएगा और टिप्स एंड ट्रिक्स 02 इसके बिफोर में आपका शीट क्रिएट हो जाता है। मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर एक शीट मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोसेस है करने का, ये काफ़ी आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा, इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्टकट तरीका। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि टिप्स एंड ट्रिक्स 01 का एक डुप्लीकेट मैं क्रिएट करूँ, तो आपको करना ये है कि आपको कंट्रोल की को प्रेस करके होल्ड करके रखना है, उसके बाद आपके जो माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको आप प्रेस करके होल्ड करके रखिए और ड्रैग कर दीजिए आपको जहाँ पर लाकर उसे ड्रॉप करना है। दैट इज़, अगर मैं चाहता हूँ कि टिप्स एंड ट्रिक्स 01 के बगल में इसका डुप्लीकेट क्रिएट करूँ, तो यहाँ पर लाकर मैं अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको फिर मैं छोड़ दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर आपका डुप्लीकेट क्रिएट हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि टिप्स एंड ट्रिक्स 02 जो मान लो शीट है, इसका मैं चाहता हूँ डुप्लीकेट क्रिएट करना चाहता हूँ और ये वाटरफॉल चार्ट के बाद वाले पे उस शीट का मैं डुप्लीकेट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो क्या करोगे, ये वाला शीट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल की को प्रेस करके होल्ड करके रखिए और उसके बाद अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करके होल्ड करके रखिएगा और ड्रैग कर दीजिए ऐसे, और जहाँ पर आपको लाना है वहाँ पर
अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको छोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, उसका डुप्लीकेट क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो बहुत फास्टली आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो एक वर्कशीट को इन द सेम वर्कबुक। फाइन, हमारा फोर्थ टिप है सम प्रोडक्ट। देखिए बहुत सारे लोगों को सम प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है, बट ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो देखिए हम कैसे यूज़ करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि सीरियल नंबर दिया, प्रोडक्ट कोड दिया, और नंबर ऑफ यूनिट्स दिया, और कॉस्ट प्राइस दिया। अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स, सभी प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट कोड जो है हमारा उसका आप टोटल कॉस्ट निकालोगे, फिर सबको ऐड करोगे, ठीक है। तो यूजुअली हम जो करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या करेंगे आप, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल कॉस्ट प्राइस को मैं TCP से डिनोट कर रहा हूँ, TCP, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसको इक्वल साइन दूंगा, और ये वाले सेल को मैं सिलेक्ट करूँगा नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज सेल नंबर C4, मल्टीप्लाई कर दूंगा उसे मैं सेल नंबर D4 से, उसके बाद मैं एंटर पर प्रेस करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर्मूला यहाँ पर मैंने जो लगाया है उसको बाकी रिमेनिंग सेल्स में भी कॉपी करना चाहता हूँ। तो ये वाला सेल हमारा एक्टिव सेल है, और ये वाला जो सेल है इसके आप लोअर राइट कॉर्नर में देखो आपको एक स्क्वायर शेप दिख रहा होगा, वहाँ पर अपने माउस के कर्सर को लेकर आइए और डबल क्लिक करिए। तो देखिए आपका फॉर्मूला जो था वो बाकी रिमेनिंग सेल्स में भी कॉपी हो गया। यहाँ पर मैं थोड़ा उसका फॉन्ट साइज और फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आप ये सारा जो भी आपका आया है कॉस्ट प्राइस इंडिविजुअल प्रोडक्ट कोड का, उन सभी को फिर आप ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर मैंने ये वाला जो सेल है यहाँ पर मैं चाहता हूँ टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पर फिर मैं क्या करूँगा, ऑटो सम पर मैं क्लिक करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया। तो आप इतना करने जाओगे तो बहुत टाइम आपका लग जाएगा, तो आप क्या करिए उसके जगह पे, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लिखिए सम प्रोडक्ट, इक्वल साइन देकर सम प्रोडक्ट लिखिए आप, देखिए आ गया यहाँ पर सम प्रोडक्ट फंक्शन। यहाँ पर क्या लिख रहा है, रिटर्न्स द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रेंजेस और एरेस, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद देखिए आपसे एरे वन पूछ रहा है, तो हमको क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना होगा कॉस्ट प्राइस के साथ, सब प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबका हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड कर देंगे, यही करना है हमें। तो ये जो हमसे पूछ रहा है एरे वन, तो आप इस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कॉमा दीजिए, उसके बाद आप ये वाले रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए दैट इज कॉस्ट प्राइस वाले को, ठीक है, उसका ब्रैकेट क्लोज करिए। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, मैंने क्या किया, इक्वल साइन दिया, सम प्रोडक्ट अप्लाई किया, उसके बाद मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स वाले रेंज को सेलेक्ट किया, कॉमा देकर मैंने कॉस्ट प्राइस वाले रेंज को सेलेक्ट कर लिया। तो अब ये बैकग्राउंड में क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। देखो ये पहले क्या करेगा, ये जो आपका प्रोडक्ट कोड XP001 है इसका नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो आप यहाँ पर एंटर प्रेस करिए, तो देखिए आपका इसका जो वैल्यू आया, इसका भी मैं फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ एरियल, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू दोनों सेम है। तो आप इतना करने जाओगे कि सब इंडिविजुअल प्रोडक्ट आप निकालोगे फिर उसको आप ऐड करोगे तो कितना टाइम आपको कंज्यूम करेगा, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन अप्लाई दिस सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो आप मतलब क्विकली कर लोगे इन चीज़ को, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे टिप नंबर 5, अपर लोअर एंड प्रॉपर फंक्शन। देखिए हमारे पास यहाँ पर डेटा दिया हुआ है कस्टमर नेम, और ये जो नेम दिया हुआ वो देखो काफ़ी जंबल्ड है ना, इसमें आपका देख रहे होंगे कैपिटल लेटर्स भी यूज़ हो रहा है, स्मॉल लेटर भी यूज़ हो रहा है, फाइन। अगर यही चीज़ आपका वर्ड में होता तो आप जानते हो कि वर्ड में हमारे पास चेंज केस का एक बटन होता है जहाँ पर से आप उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप चाहोगे अपर केस में रखना तो अपर केस में रख सकते हो, और लोअर केस में रखना चाहोगे तो लोअर केस में रख सकते हो, फाइन। बट एक्सेल में क्या है कि वो चीज़ नहीं होता है, वो बटन यहाँ पर नहीं होता है, तो आप कैसे करोगे। अब देखो यहाँ जो कस्टमर नेम है, मैं चाहता हूँ कि ये इसका जो नेम है उन सभी को मैं लोअर केस में रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कस्टमर नेम, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि सभी को मैं लोअर केस में रखने का, ठीक। तो हम क्या करेंगे, तो अगर आप चाहते हो कि जो नेम है आपका इन सभी को आप लोअर केस में रखना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या करिए, इक्वल साइन दीजिए और लोअर टाइप करिए, लोअर। तो देखो मैं जो लोअर टाइप करता हूँ तो यहाँ पर आ गया आपका लोअर फंक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा, कन्वर्ट्स ऑल लेटर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इस पर्टिकुलर सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए अब ये जो नेम था वो सभी आपका देखिए लोअर केस में आ गया, देखिए सभी स्मॉल लेटर्स में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर्मूला कॉपी करना है बाकी रिमेनिंग सेल्स में भी, तो ये वाला सेल हमारा एक्टिव सेल है, यहाँ पर देखिए लोअर राइट कॉर्नर आपको स्क्वायर शेप दिख रहा होगा, अपने माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आइए और डबल क्लिक करिए, देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, कॉपी हो गया बाकी रिमेनिंग सेल्स में भी। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा कस्टमर का नेम है, ठीक है, उन सभी को मैं चाहता हूँ अपर केस में, दैट इज मैं ये चाह रहा हूँ कि जो नेम आपका दिया हुआ है इसमें सारे लेटर्स आपके कैपिटल लेटर्स में रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं कस्टमर नेम लिखता हूँ या इक्वल साइन में दूंगा, यहाँ पर मैं अपर टाइप करूंगा। तो देखिए मैं अपर टाइप करता हूँ तो यहाँ अपर फंक्शन आ जाता है, या लिखा हुआ कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू ऑल अपर केस लेटर्स, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ,
और ये वाले पर्टिकुलर सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा, सेल नंबर B3, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर पे प्रेस करता हूँ। तो देखिए अब जो मेरा नेम था उसमें सारे लेटर्स देखिए अपर केस के आ गए हैं। अब इस पर्टिकुलर सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ लोअर राइट कॉर्नर पर स्क्वायर शेप देख रहे हो, यहाँ पर अपने माउस के कर्सर को मैं ले जाता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, कॉपी हो गया बाकी रिमेनिंग सेल्स में भी। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो कस्टमर का जो नेम है उसका जो आपका पहला लेटर है वही सिर्फ आपका अपर केस में रहे, बाकी आपका जो है वो आपका लोअर केस में रहे। ठीक है, जैसे अक्षय सिंह है तो इसका जो फर्स्ट नेम हो गया उसका पहला लेटर आपका अपर केस में रहेगा, बाकी आपका लोअर केस में। और फिर जो उसका लास्ट नेम है उसका आपका देखिए जो पहला लेटर होगा वो भी आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बाकी आपका लोअर केस में होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर कस्टमर नेम लिखते हैं। अब यहाँ पर मैं इक्वल साइन दूंगा, प्रॉपर लिखूंगा। ठीक है, तो देखिए जैसे हम प्रॉपर लिखते थे, यहाँ प्रॉपर फंक्शन आ गया, लिखा हुआ कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू प्रॉपर केस, द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड, हर वर्ड में जो पहला लेटर होगा वो अपर केस होगा एंड ऑल दी अदर लेटर्स टू लोअर केस। फाइन, तो देखिए हम इस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं, एंटर कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर अक्षय सिंह जो था उसका देखिए जो पहला नेम है फर्स्ट नेम वो देखिए आपका उसका जो पहला लेटर वो कैपिटल में हो गया, उसी तरह आपका सिंह का देखिए जो पहला लेटर था वो आपका कैपिटल में हो गया। उसके बाद आप क्या करना है, ये फॉर्मूला को कॉपी करना है बाकी रिमेनिंग सेल्स में भी, इस पर्टिकुलर सेल को आप सेलेक्ट करिए और इसके लोअर राइट कॉर्नर में जो आपको स्क्वायर शेप दिख रहा है वहाँ पर अपने कर्सर को लाकर डबल क्लिक करिए। देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, कॉपी हो गया बाकी रिमेनिंग सेल्स में भी। ठीक है, और इसका मैं फॉन्ट साइज सबका चेंज कर देता हूँ। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपर, प्रॉपर एंड लोअर फंक्शन। ठीक है, मान लो मेरा एक्चुअल में रिक्वायरमेंट ये रहता कि जो कस्टमर नेम जो मेरा दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जो मेरा वर्ड है उस वर्ड का पहला जो लेटर होता है वो आपका कैपिटल में रहता, बाकी आपका लोअर केस में रहता, तो मैं क्या करता, प्रॉपर फंक्शन लगा के ऐसे में कन्वर्ट कर लेता। ठीक है, अभी मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, तो मेरा एक्चुअल रिक्वायरमेंट ये रहता। फाइन, तो मैं ऐसे कन्वर्ट कर लिया, ये मेरा रिजल्ट आ गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट इट एज वैल्यूज करता। ठीक, उसके बाद इसे मैं डिलीट कर देता। तो देखो मैंने क्यों किया पेस्ट इट एज वैल्यूज, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो मेरा रिजल्ट था उसमें क्या है कि इसमें मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है। फाइन, अगर मैं इसको कॉपी करके सिर्फ यहाँ पर ये वाला पेस्ट अगर करूँगा मैं तो उस रिजल्ट में चेंजेस आ जाएगा, बिकॉज वहाँ पर मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जो मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, उसमें जो मेरा नेम है वो मेरा खाली नेम्स वहाँ पर आए, बट उसके अंदर में जो फॉर्मूला लगा हुआ है, दैट इज अंडरलाइंग फॉर्मूलाज है, वो मेरा नहीं आए उसमें। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट इट एज वैल्यूज किया। इससे मेरा ये हुआ कि जो नेम था वही मेरा आया, बट अंडरलाइन फॉर्मूलाज जो उसमें थे वो नहीं आए। इससे देखिए मेरे रिजल्ट में कोई यहाँ पर आई वुड से जो हमने पेस्ट किया था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। अब हम इसको डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो कि आपका जो भी टेक्स्ट है उसमें अगर मान लो आपका लेटर्स जम्बल्ड है और अगर चाहते हो आप लोअर केस या अपर केस या फिर प्रॉपर फंक्शन का यूज़ करके आप जो पहला वर्ड है उसका लेटर्स को आप कैपिटल में करना चाहते हो, तो आप क्या करिए, टेम्पोररी कॉलम या टेम्पोररी रो क्रिएट करके आप इन चीज़ों को कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, उसको कॉपी करके पेस्ट इट एज वैल्यूज कर दीजिए और फिर उसे डिलीट कर दीजिए आप। फाइन, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में हमने जो ये 5 टिप्स सीखे हैं उससे आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद किए तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।